क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे, जो दिल पे सहना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। बहुत प्यार से इसकी खातिरदारी करो, समझे? और मारो। क्या आंटी मान गई? यार ये तो इस साल की सबसे बड़ी न्यूज है। यार मान तो गई है, लेकिन बहुत रूड हो रही है मेरे साथ। मैं उनके सामने आ भी जाऊं तो नजर डाले बगैर ही गुजर जाती है। सात दिन को तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। काट दिया ना फोन, हो गई तुम्हारी तसल्ली? अब यहां बैठने का कोई जवाब नहीं है, नहीं आएगा वो, और आएगा भी क्यों? इश्क माशूके करने वाले लड़के सिर्फ लड़कियों से मिलते हैं, उनके मां बाप से नहीं। जो भी था उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, अब ना वो आएगा और ना ही तुम्हारी कॉल उठाएगा। तुमने मेरा सर झुकाना था, सो झुका दिया। अरसू मैं कह रही हूं चलो यहां से, सुना नहीं तुमने? चलो यहां से। कैसी लगी? बड़े बेरहम हो तुम, हीरो को जीरो बना दिया सालो। अच्छा बचने का कोई इम्कान तो नहीं ना? अगर बच गया ना तो अपने हाथों से अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन यार एक चूक हो गई, उसका मोबाइल फोन और बटुआ निकालना भूल गया। अबे ये क्या भंग मार दिया, टकेती का माहौल बनाने को बोला था, सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी, अब सीधा कातलाना हमले का फतवा लगेगा। अबे कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर कटेगी। और क्या होगा, इस शहर में वैसे भी दो चार लाशें रोज मिलती हैं। एफआईआर भी कटती है लेकिन कातिल किसी को नहीं मिलते। और अब भी यही होगा तो देखना। अबे खुशियां मना खुशियां, तेरे रास्ते का कांटा जो निकल गया। Thank God यार, ब्लड अरेंज हो गया। क्या डॉक्टर से?
सर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसे मारा पीटा गया, और अंदरूनी नुकसान कितना हुआ ये रिपोर्ट्स आने के बाद पता लगेगा। तुमने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? बस बस यही एक काम रहता, फोन चार्ज पे लगा, मैं जाके लेके आता हूँ। Come on यार, क्या हो गया, इतनी देर से बैठे तुम गेम खेल रहे हो, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म, जाओ फोन लेके आओ। अरे अब ओहो, चार छक्के आ रहे हैं बस। चार बस, चार आ जाए सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। हाँ कुछ हिसाब तो आपने बगैर चाल चले बराबर कर लिया है, कुछ आप चाल चल के बराबर कर लीजिए। ये देखें दो छक्के। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ये बहुत गलत बात है, चीटिंग आप करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट प्लीज। मैं अपना फोन अंदर भुरा, जाओ मैं जब तक बारी चल रहा हूँ मेरा फोन लेकर आऊंगा। कोई चीटिंग नहीं करना मेरे पीछे। नो चीटिंग। मैं हूँ कोई चीटिंग नहीं होगी, ऐसे करते तो हैं। चीटिंग नहीं, बारी लेना अपनी आप। हाँ हाँ चल रहे चल। शुक्र है भाई को घर तो याद आया। हेलो जी, वो किसी बड़े से बात करवाते हैं प्लीज। तो मैं आपको बच्ची लगती हूँ क्या? लेकिन ये तो मेरे भाई का नंबर है, आप हैं कौन? जी मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल की है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? मेरे भाई? अम्मी देखे एक छक्का तीन। अम्मी क्या हुआ? बाबा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बेटा? हेलो जी कौन? जी मैं जाहिर का फादर बात कर रहा हूँ जी। कहाँ? अच्छा कौन से हॉस्पिटल में? जी ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ अभी। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे क्या हुआ मेरा जाहिर? खैरियत से तो? बताए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं हॉस्पिटल चल रहा हूँ। क्या हो गया है आपको? आप बच्ची को संभालने के लिए आप खुद रो रही हैं? चले हमें वहां जाना, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। आए चले चले करो याला। अम्मी रहने दे, मैं कर देती। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मैं जरा किशोर बाजी को कॉल कर लूं जाके। जी सबा तुम गई नहीं, अभी तक यही बैठी हो। कहाँ जाना है? कौन सी दुनिया में होती हो तुम? पूरे महल्ले को पता है जहर भी अस्पताल में है, कातलाना हमला हुआ इनके ऊपर। जहर भाई की हालत बहुत खराब है सबब, वो शदीद जख्मी है। मेरी कुछ देर पहले मानू से बात हुई थी, वो रोए जा रही थी। बस जहर भाई को कुछ गुंडों ने मिलकर बहुत पीटा है। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, ये उन्हीं गुंडों की वजह से हुआ, ये उसी लड़की की वजह से हुआ, मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था। सबर रखो सबर। नहीं करो ब्रो, आपके यहाँ कोई जाहिर नाम का पेशेंट एडमिट हुआ है? मैं उसका फादर हूँ। जी रूम नंबर 24 सर। जाहिर देखो प्लीज, अम्मी के सामने कोई गड़बड़ मत करना। तुम फिकर क्यों कर रहे हो? कल ऐसा इंप्रेशन जमाऊंगा कि कुछ सोचे समझे बगैर अपनी पसंदी में कबूल कर लेंगे वो मुझे। अल्लाह कितने भरम है ना तुम्हारे, और अगर ना किया तो? तो फिर मैं एक दूसरी कोशिश करूंगा, दूसरी नाकाम हुई तो फिर तीसरी कोशिश करूंगा, और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक कामयाबी मेरे कदम नहीं छूटे। तुम जानती हो ना वैसे भी कितना मुस्तकिल मिजाज हूँ।
मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन अम्मी के सामने मुस्तकिल मिजाजी की नहीं पंक्चुअलिटी की जरूरत होगी, तो प्लीज लेट मत होना, टाइम पे आ जाओ। अरे नहीं यार, टाइम पे नहीं बल्कि मैं तो टाइम से पहले हूँ। देखना तो मैं और आंटी को खुद रिसीव करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया जाहिर, एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अम्मी पता नहीं तुम्हें क्या समझ रही है, मैं जानती हूँ वो बात नहीं है जो अम्मी को लग रही है, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो बगैर सोचे समझे मैंने ये कदम उठाया, इतना बड़ा रिस्क लिया पर मुंह के बल गिरी, सलील करवा दिया मुझे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? इलियास का फोन आया था, पिक करने आ रहे हैं मुझे। दुबई जा रही हूँ उसके साथ, कम से कम एक हफ्ता लगेगा मुझे। सितारा, एक हफ्ता? एक हफ्ता इस घर में अकेली मैं क्या करूंगी? तुझे तो पता है ना मुझे डर लगता है। तो क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊं? अब तुम इतनी छोटी नन्ही काकी भी नहीं हो कि घर में अकेली ना रह सको, और वैसे भी कल मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी हनीमून में, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। सितारा तू अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। अच्छी तो मैं हूँ नहीं, तो मैं अच्छा कैसे कर सकती हूँ? जो देर हो रही है सितारा, बात तो सुन ले। सितारा, सितारा अकेले अकेले घूमने जा रही है, मुझे बताया तक नहीं। हमारी वजह से हुआ ये सब कुछ, मैं शायस्ता भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी, उनके हंसते खेलते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। लड़ाई कोई बदबख्ती का वक्त था जब उस गुंडे की नजर तुम पे पड़ी थी बेटा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इस घर की आग ने एक मासूम को अपने लपेटे में ले लिया। दुआ करो बेटा, गिड़गिड़ा के दुआ करो कि ये आफत किसी मातम में तब्दील होने से पहले गुजर जाए। मैं शाइस्ता भाभी से बात करना चाहती हूँ, बेटा मुझे कॉल मिला के दो। जी लग रही हो तुम तो। पता है मुझे, पता नहीं किस बात को लेके तू नाराज है। खुदा मुझे नजरे बद से बचाए। एक तो इतना दूर जा रही है, बंदा दिल साफ करके चला जाए। कुएं में कूदकर खुदकुशी करने नहीं जा रही, जो माफियां तलाफियां करती फिरूं तुमसे। वैसे आजकल जहाज का सफर कुएं में कूदने से कम भी तो नहीं है, पहुंच गए तो पहुंच गए, और अगर ना पहुंचे तो डीएनए टेस्ट ही होता है। तौबा है, बंदे की अगर शक्ल अच्छी ना ना हो तो बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। हेलो, आप आ गए? जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ सारे जरूरी कागजात और टिकट्स मैंने संभाल कर रख लिए हैं। हाँ बैग में, मैं बस आ रही हूँ। ओके।
मम्मी बात हुई? नहीं, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। अल्लाह करे सब बेहतर हो। अम्मी आपको फिर मिला दूं? नहीं बेटा, रहने दो। वहाँ पैनिक होगा, बार बार फोन मिला के किसी को परेशान करना ठीक नहीं, और वैसे भी इस वक्त झूठी तसल्लियाँ देने से बेहतर है कि हम उनके हक में बेहतरी की दुआ करें। जी, आप ये लें, पानी पिए। Excuse me. Hello. जी थैंक यू। जी आपने भाई का उस वक्त में ख्याल रखा जब हम में से कोई उनके पास नहीं था। पता नहीं क्या होता अगर आप नहीं होते। और प्लीज ये मत कहिएगा कि आप नहीं होते तो कोई और होता। ये बात आपको भी पता है कि आप इंसान के रूप में एक फरिश्ता हैं। पहले भी कुछ लोगों से ये सब कुछ सुना, लेकिन कभी यकीन नहीं आया। आज आपके मुंह से इस तरह यूं सुनकर पता नहीं क्यों यकीन करने को दिल चाहता। खैर, ये बाकी की रिपोर्ट्स भी आ गई। अंकल और आंटी कहाँ गए? वो एटीएम तक गए। अच्छा, इसलिए मैं अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ, तो बाकी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई। बहुत जल्द आपके भाई पहले की तरह फिट फाट हो गए, वापस कैसे? इंशाल्लाह। क्या जाहिर भाई नहीं आए? अम्मी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने मुझे। अम्मी को लग रहा है कि वो कोई सड़क छाप फ्लर्ट नौजवान था जो उनकी बेटी के जज्बात से खेल कर भाग गया। ऐसा तो नहीं है आरजू, तुमने बताया नहीं अम्मी को कि तुम उनकी फैमिली से मिल चुकी? और कोई भी सड़क छाप फ्लर्टी लड़का ऐसे किसी भी लड़की को अपनी माँ और बहन से नहीं मिल पाता। पागल हो क्या? अम्मी को क्या बताती ये कि मैं उसके साथ उसके घर गई थी? अगर उसको नहीं आना था तो ना आता, कम से कम मैं उनकी नजरों में तो ना गिरती। और उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। तो तुम कर लो कॉल। मैं क्यों कर लूं कांटेक्ट? जब उसने बिला वजह का इशू क्रिएट किया है तो अब वही पहल करेगा। पागल मत बनो आरजू, खामखा का ईगो मोहब्बत को खा जाता है। और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। और तुम ही बता रही थी मुझे कि कितना एक्साइटेड थे वो, और फिर आखिर वक्त में तुम्हारी बात तो हुई थी, उन्होंने मना किया था कि आने का। देखो इस तरह नाराज होकर मत बैठो, तुम कॉल करके पूछो तो आखिर बात क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ने मेरे घर की रौनक मुझे वापस लौटा दी। तुम्हारी मुस्कुराहट से तो मेरा आज का दिन रोशन हो गया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। सुनिए, मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ, काले बकरे का सदका। बस बस अभी निकलते हैं। वैसे बरखुदार जान निकाल दी थी आपने हमारी। ये क्या कह रहे हैं आप? इसने कोई जानबूझ के अपनी जान को थोड़ी खतरे में डाला था। अब बेगम साहब शायद आप भूल रही हैं, कल रात तक आपका भी यही ख्याल था मेरे ख्याल से। ओफो मेरे खुदाया, आपने कब से लड़ाका औरतों की तरह ताने देने शुरू कर दिए? मैं आपको ताने दूं इतनी मेरी जरूरत कहां? वो तो एक्चुअली थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट है ना, इस वजह से थोड़ी सी बहकी बहकी बातें मुंह से निकल रही हैं। अच्छा तो मैं आपकी जरा एक्साइटमेंट मालूम करूं, किस बात की एक्साइटमेंट? हाँ, मुझे पता तो चले। मैं अभी इनको ठीक करके आ रही हूं। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आए आए चले बात करते हैं। आरजू के इस हादसे के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? उस दिन मेरे ना पहुंचने में तो बहुत परेशान हुई होगी। Thank you.
भाभी को? नहीं भाई, वो एक्चुअली इतना पैनिक था कि... अच्छा आप ठहरे, मैं अभी भाभी को बताती हूँ। जाहिर इधर तो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को कॉल करने की? खबरदार जो आज के बाद तुमने इससे बात की हो तो। सबापी गेस करें ये कौन है? ये है मेरी प्यारी सी भाभी जान, इनफैक्ट होने वाली भाभी जान। तुम असमा से मिलने गई थी? जी, लेकिन असमा तुमसे मिलने यहां आई थी। वो तो उस वक्त अम्मा पड़ोस में गई हुई थी, अगर घर में होती तो पता है ना कितना हंगामा करती।